हेलो गाइस, माय नेम इज ईशान शेख और आप देख रहे हैं ZS एक्सपेरिमेंट। तो यार आज जो है वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आज हम लोग लाए हैं मटके के ऊपर। तो भाई साहब, मटके में आप लोग पानी सभी लोग पिए होंगे, जो कि काफ़ी ठंडा होता है। मार्केट में या कहीं भी आपको मटका ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन भैया, आज हम लोग इससे कुछ बहुत ही तगड़ा जुगाड़ लेकर आए हैं, कूलर के ऊपर है। तो आपको पता ही होगा, जो गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, हमको भी लग रही है। तो आज है हम लोग ये जुगाड़ जो लेकर आए हैं, ये इस मटके के ऊपर है। तो हम लोग सिंपली इस मटके को कूलर के अंदर रखेंगे और देखेंगे यार कूलर जो है ठंडी हवा निकालता है या नहीं निकालता है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ जुगाड़ लेना पड़ेगा। तो हम लोग को कुछ जुगाड़ के लिए हम लोग को ड्रिल मशीन लेनी पड़ेगी और हर मटके में 6-7 छेद करना पड़ेगा ऊपर साइज में। तो जैसे कि आपको पता होगा, कूलर के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जो सांस लिया करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो पानी रहता है वो ठंडा हो जाता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग ये ड्रिल मशीन लेकर आए, जो कि आ गए हैं। अब इसमें करते हैं छेद। तो सिंपली साइड से हम लोग छेद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मटके में जो हम लोग छेद कर लिए हैं, जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है छेद को आप देख सकते हैं, 3 ऐसे हुआ है, 4 ऐसे हुए हैं। तो आप चाहे जैसे छेद करिए, लेकिन छेद ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं और इसको हम लोग कूलर के अंदर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हम लोग कूलर के पास आ चुके हैं, जो कि इसमें पानी एकदम भरा हुआ है। तो सिंपली हम लोग को क्या कर देना है, कूलर को बस कूलर के अंदर ऐसे ही मटके को हम लोग इसको डाल देंगे और एक कूलर को एक मटके को इसके अंदर हम लोग डाल देंगे मोटर को। तो हम लोग मोटर को इसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि जो ये पानी वाला मोटर है, इसमें से पानी को उठाकर इधर उधर जाली को ये पानी। तो सिंपली अब ये जो बाकी है, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, सच मानिए, ये जो कूलर जो हवा देगा बहुत ही ज्यादा ठंडी देगा, बहुत ही ज्यादा ठंडी देगा। तो आप मान सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और कुछ देर चलाने के बाद हम आपको फिर से इसको दिखाते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पानी है इस मटके की जो आरी बगल जितने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं इसकी वजह से। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कि इसका जो ये पानी है इस मटके की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा इसका गिरा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जाली लगाते हैं और इसको चलाकर टेस्ट करते हैं। कुछ देर के लिए चलाते हैं और देखते हैं कितना ये ज़्यादा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कूलर के सामने खड़े हुए हैं, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ठंडी हवा निकाल रहा है वो, जो कि पहले से उसके अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, जो कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वाकई में ये ठंडा
ठंडा है, जो कि मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, उस छोटे छोटे मटके की वजह से ये जो कूलर है काफ़ी ज़्यादा कूलिंग जो अपनी है वो बढ़ा दिया है। तो यार वीडियो तो एक लाइक कर दें आप लोग, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग एक लाइक करेंगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी, इससे हम लोग को और बढ़ावा मिलेगा, हम लोग और अच्छी अच्छी आप लोगों की यार वीडियो यार लाएंगे, तो लाइक ज़रूर कर दें। ये जो कूलर की हवा है यार काफ़ी ज़्यादा आप मान सकते हैं ठंडी हो चुकी है, जो कि हम लोग काफ़ी देर से इसको ट्राई कर रहे हैं और लगभग आधे घंटे के बाद हम लोग इसको जो ठंडी हवा का महसूस, जो उससे ज़्यादा जो ठंडी हवा है महसूस कर सकते हैं पहले की अपेक्षा में आप। तो यार एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए। फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ही पसंद आया होगा जो ये मटके के साथ हम लोग लेकर आए हैं। तो यह कूलर बेसिकली बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है, और आप लोग भी इस्तेमाल करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने से आपका भाई खुश होता है और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहेगा। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।